किरचॉप्स लॉ। जी हाँ दोस्त, मैं उचान और मैं लेकर के आया हूं किरचॉप्स लॉ से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दोस्त 40 में 40 मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं किरचॉप्स लॉ से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर इससे आएगा किरचॉप्स लॉ से क्वेश्चन तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, थोड़ा सा समय लगेगा, देख लीजिए वीडियो अंत तक के। तो पहले समझ लेते हैं किरचॉप्स लॉ। तो दोस्त किरचॉप्स लॉ, किरचॉप्स जो थे वो दो नियम दिए थे, एक धारा का नियम दिया था, एक वोल्टेज का नियम दिया था। तो पहले समझ लेते हैं कि धारा का नियम क्या दिया था उन्होंने, फिर समझेंगे वोल्टेज का नियम क्या दिया था, फिर इसके बाद 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए इसमें आपको हम पहले बता देते हैं, इस फिगर को देख लीजिए, ठीक है, ये किरचॉप्स का ही है। अब देखिए पहले हम समझ लेते हैं धारा के नियम कि किरचॉप्स लॉ, जो किरचॉप्स करंट लॉ है यानी KCL, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं KCL, दे देगा KCL तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। KCL मतलब किरचॉप्स करंट लॉ यानी धारा का नियम। तो किरचॉप्स ने क्या कहा था धारा के नियम के बारे में, ये समझ लीजिए। उन्होंने कहा था कि किसी सर्किट में जितने भी धारा प्रवाहित हो रही है उसका योग और जितने धारा बाहर निकल रही है उसका योग एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस फिगर में देख लीजिए, इसमें जितने भी धारा जा रहे हैं उसका योग जो होगा, जितने भी बाहर निकल रहे हैं धारा उसके योग के बराबर होगा। ये KCL यानी किरचॉप्स करंट लॉ है, ठीक है। अब बीच में जो आप पॉइंट देख रहे हैं वो सेंटर, उसको नोड कहते हैं, उस पर धारा ठहरता नहीं है। अगर कह दे कि नोड पे कितना धारा का मान होता है, दोस्त धारा नहीं होता है, जीरो होता है, उस पर धारा होता ही नहीं है। तो ये KCL का नियम है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, पूछेगा भी। अब समझ लीजिए वोल्टेज का नियम, तो इसी फिगर को देखिएगा। वोल्टेज का नियम इसी से हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कि किरचॉप्स के वोल्टेज का नियम क्या था। तो किरचॉप्स के वोल्टेज का नियम यह था कि किसी सर्किट में जितना भी धारा प्रवाहित हो रही है, इन हो रही है, जा रही है उसके अंदर, और उससे जितनी भी धारा बाहर निकलेगी, आउट होगी धारा, यानी इन का टोटल धारा, आउट का टोटल धारा, जितने प्रवाहित हो रहे हैं, जा रहे हैं, उन सभी का बीजीय योग जो होगा, अल्जेब्रिक सम जो होगा, वो जीरो होगा। ये KVL किरचॉप्स वोल्टेज लॉ था, KVL, ठीक है। तो ये दो नियम है, ये दो नियम किरचॉप्स लॉ का था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने 20 क्वेश्चन बहुत मेहनत करके लाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, देखिएगा अंत तक की वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि रेलवे में आपको साइंस में अगर 40 में 40 मार्क्स चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिए। किरचॉप्स लॉ से अगर पूछा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। तो KCL के किरचॉप्स लॉ के दो नियम तो आप समझ गए, एक KCL एक KVL, दोनों समझ गए। KCL एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, किरचॉप्स करंट लॉ क्या है कि जितने भी इन करंट होते हैं, जितने आउट होते हैं, उन दोनों का योगफल जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है, इनका योगफल और आउट का योगफल दोनों का बराबर होता है। KVL नियम क्या कहता है, किरचॉप्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जितने भी करंट इन हो रहे हैं या जितने आउट हो रहे हैं, उन सभी का अल्जेब्रिक सम, बीजीय योगफल जीरो होता है। तो ये दो नियम है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में धाराओं के बीच संबंध निकालना है, संबंध क्या है ये बताना है। तो फिगर देख लीजिए, ये फिगर है, इसमें क्या है कि धाराओं के बीच क्या करना है कि संबंध बताना है हमें, कि क्या संबंध है दोस्त। तो देख लीजिए कितने, मतलब धारा जो है इसमें जा रहे हैं, कौन सा धारा जा रहा है, तो I2 को छोड़ करके देखिए सारा धारा जा रहा है, I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, I5 जा रहा है, सारा धारा इन हो रहा है, सिर्फ निकल कौन सा धारा रहा है, I2 निकल रहा है, बाहर आउट हो रहा है, ठीक है। तो हमको KCL यानी धारा कह रहा है, करेंट कह रहा है, तो करेंट कह रहा है, यहां करेंट के बीच संबंध बताना है। आपको मैंने करेंट का नियम अभी बता दिया है, क्या बताया, किरचॉप्स लॉ का करेंट का नियम, करंट का नियम यही मैंने बताया है कि जितने भी इन हो रहे हैं धारा उसका योग और जितने आउट हो रहे हैं उसका योग एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां आउट तो एक ही धारा हो रहा है, I2 एक ही हो रहा है, तो I2 बराबर होगा सारे इन जो करंट हो रहे हैं उसके योगफल के बराबर, ठीक है। तो I3 I4 I5 I1 ये सभी करंट क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो इन सभी का यानी I1 I2 I3 I4 I5 ये करंट जो बराबर होंगे I2 के बराबर होंगे, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं आपको लेकर के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्त। दे दिया है केसीएल इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है ये बताना है। केसीएल तो केसीएल मतलब कि क्या, किरचॉप्स करंट नियम कहता है, लॉ कहता है। तो पहला देख लीजिए ऑप्शन, पहला दे दिया है आपको कि एक नोड में ऊर्जा संग्रहित करने की संभावना होती है। नोड आपको पता है ना, फिगर देख लीजिए, ये बीच वाला सेंटर आपको नोड कहलाता है। फिर ऑप्शन पे डिस्कस भी करते रहेंगे, इसको हटाते हैं, हाँ बाद में इसको लाएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। तो देखिए दूसरा दे दिया है कि किसी नोड पर आवेश का संचय नहीं हो सकता है, किसी भी नोड पर आवेश का संचय यानी धारा जो करंट होता है उसका संचय नहीं हो सकता है। तीसरा दे दिया है कि नोड पर चार्ज संचय संभव है, नोड पे मैंने बता दिया है, देखिएगा आप मार सकते हैं। चौथा दे दिया है चार्ज संचय संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोस्त चलिए इसमें मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं कि ऑप्शन दो नंबर इसमें करेक्ट होगा कि किसी भी नोड पर आवेश संचय नहीं होता है। देख लीजिए, हटाइए इसको, यह फिगर देख लीजिए दोस्त, यह फिगर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बीच वाला जो सेंटर होता है वो नोड कहलाता है, नोड पे धारा या करंट जो होता है वो नहीं होता है, संचय होता ही नहीं है, डायरेक्ट निकलता है। क्योंकि क्या होता है कि ये किसी सर्किट में लूप होता है, लूप पे धारा जो नहीं होता है, तो इस पे नोड पे कभी करंट संचय हो ही नहीं सकता है, इसलिए मेरा दो नंबर करेक्ट आंसर था। ठीक है चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं, जो वो भी इंपॉर्टेंट भी ही है। देखिएगा दे दिया है किसी नेटवर्क में किसी बंद पथ के चारों ओर वोल्टेज बीजगणित योग बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि किसके योगफल होता है किसी नोड पे वोल्टेज जो होता है इसमें, तो क्या होता है वोल्टेज का नियम मैंने बताया था ना कि जितने भी, देखिए इस फिगर को देख लीजिए पहले, इस फिगर को देख लीजिए, मैंने आपको इसमें बता दिया था कि वोल्टेज का नियम केसीएल ने क्या दिया था कि किसी जितने भी मतलब करंट जो होते हैं वो जाते हैं उसके अंदर और उससे बाहर निकलते हैं, वो सभी का बीजीय योग क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, ये जीरो होगा, वो ऑप्शन मेरा क्या होगा कि जीरो होगा। ठीक है तो यहां पे क्या पूछ दिया, वोल्टेज का नियम पूछ दिया है, तो ऐसे ही पूछेगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त, यहां पे दे दिया है कि सभी डैश डैश लूप है लेकिन सभी डैश डैश जाल नहीं है, क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है लूप मेस, दूसरा दे दिया है यहां पे जाल लूप, तीसरा दे दिया है यहां पे शाखाएं लूप, और चौथा दे दिया है यहां पे नोड्स शाखाएं, क्या होगा। तो दोस्त क्या लूप है लेकिन जाल नहीं है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन जो होगा मेरा करेक्ट दो नंबर होगा कि सभी जाल लूप होते हैं लेकिन सभी लूप जाल नहीं हो सकते हैं। ठीक है अब इसी फिगर को देख लीजिए, इसमें मैं आपको बता देते हैं, तो ये जितने भी देख रहे हैं नेटवर्क वो जाल होता है, नेटवर्क मतलब जाल है ये, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि लूप नहीं, नेटवर्क लूप बन सकता है लेकिन लूप जो है कभी नेटवर्क नहीं बनेगा, जाल नहीं बनेगा, इसलिए वो मेरा क्या है करेक्ट ऑप्शन जो है दो नंबर सही होगा। ठीक है तो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। अगला नंबर भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि एक जंक्शन, एक देखिएगा क्वेश्चन दे दिया है कि एक जंक्शन जहां दो नेटवर्क तत्व मिलते हैं, जहां दो नेटवर्क तत्व मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, आपको मैं बता दिया हूं। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, पहला दे दिया है नोड, दूसरा दे दिया है शाखा, तीसरा दे दिया है आपका कुंडली और चौथा दे दिया है जाल, क्या कहलाता है जहां जो है दो से अधिक नेटवर्क मिलते हैं। इस फिगर को देख लीजिए, नेटवर्क मतलब क्या, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जाल होता है। ठीक है तो नेटवर्क देखिए, ये जितने भी है धारा दो या दो से अधिक है, जितने भी जिस पॉइंट पे जाकर के मिल रहे हैं उस सेंटर को क्या कहा जाता है, मैंने चर्चा किया ना इससे पहले, तो नोड कहते हैं। ये मेरा क्या होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा कि नोड कहते हैं। ठीक है तो इससे समझ में आ रहा है, इंपोर्टेंट है, पूछता रहता है, ज्यादा अंदर से पूछता नहीं है दोस्त, ज्यादा अंदर से पूछेगा नहीं, ये जो है पूछेगा बस सिंपल ही पूछता है, ऊपर से ही पूछता है, कोई बड़ा एग्जाम थोड़ी ना है, टेक्नीशियन का है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि किसी आपत्ति मैट्रिक्स विद्युत परिपथ धारा या प्रवेश कर रही है या नोड से बाहर जा रही है, ये बता रहा है। तो हमें ये बताना है कि इसमें जो है देख लिया है कि कौन सा दर्शाता है कि मैट्रिक्स विद्युत परिपथ धारा या तो प्रवेश कर रही है या तो बाहर जा रही है, ये बताना है मुझे। ठीक है तो देखिएगा इसमें मतलब कि ये नेटवर्क ले लेते हैं,
ये नेटवर्क है। अब इसमें जो है ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन प्लस वन दे दिया, प्लस टू दे दिया, प्लस माइनस वन दे दिया है, जीरो दे दिया ये और बी दे दिया। तो किसी भी अंदर अगर धारा जा रही है, ये धारा की बात कर रहा है और धारा निकल रही है, तो आपको मैंने बताया है कि अगर मान लीजिए कि ए नेटवर्क है, ये अंदर जा रहा है और ए बाहर निकल रहा है, तो ए का योग जो होगा वो निकल रहे योग के ए के बराबर होगा। तो ए को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस, जो जाता है उसको प्लस कहते हैं, जो निकलता है उसको माइनस कहते हैं धारा में, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन जो होगा प्लस वन और प्लस माइनस वन दोनों होगा, यानी डी नंबर करेक्ट आंसर होगा कि ए और बी दोनों होगा, क्योंकि धारा जो जा रही है उसको प्लस में रखते हैं, जो निकल रहा है माइनस, तभी तो दोनों का बीजीय योग क्या होता है कि जीरो होता है, ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें भी वही दे दिया है करंट में, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा धारा जो है, धारा दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि करंट किसी आपतित मैट्रिक्स के विद्युतीय परिपथ के में नोड में जो है प्रवेश कर रहा है। हमें यह बताना है कि विद्युत परिपथ में प्रवेश कर रहा है, तो प्रवेश के लिए आपको पता है ना कि प्लस देते हैं, धारा में कर रहा है, करंट में कर रहा है, तो प्लस देते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन क्या है कि यह है फर्स्ट नंबर प्लस ए जो है वन जो है वो करेक्ट होगा। बाहर निकलने के लिए फिर कहता तो हम माइनस के लिए लगा देते उसमें, तो वो करेक्ट होता, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो जाने और आने दोनों के लिए मतलब बोल रहा था, प्रवेश करने के लिए बाहर निकलने के लिए भी बता रहा था, तो उसके लिए प्लस माइनस दोनों था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि नेटवर्क ग्राफ, देखिएगा नेटवर्क ग्राफ विद्युतीय प्रतिनिधित्व डैश प्रकार की जो है दे दिया, डैश प्रकार का उपयोग करके दर्शाया जाता है, ठीक है, क्या करके दर्शाया जाता है। नेटवर्क ग्राफ के बारे में बता रहा है कि क्या करके दर्शाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि विद्युतीय प्रतिनिधित्व, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है दो वन थ्री और चार फोर, ठीक है। तो ये नेटवर्क ग्राफ जो विद्युतीय प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको तीन प्रकार, तीन तरह करके दर्शाया जाता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के कौन कौन सा दर्शाते हैं ये समझ लीजिए, तीन तरह के होते हैं नेटवर्क, देख लीजिए ये नेटवर्क तो आपको पता है, बार बार इसी को देख रहे हैं, कोई नहीं। प्रतिनिधित्व तीन प्रकार की घटनाओं को दर्शाता है, पहला समझ लीजिए कि कौन कौन सा दर्शाता है। पहला तो घटना मैट्रिक्स होता है, ठीक है, पहला घटना मैट्रिक्स होता है। दूसरा जो होता है वो होता है मौलिक लूप मैट्रिक्स, जो लूप बनता है वो मौलिक लूप मैट्रिक्स होता है। और तीसरा जो होता है दोस्त वो मौलिक कट सेट मैट्रिक्स होता है। ये तीन तरह करके जो उपयोग करके उसको दर्शाया जाता है, इसलिए ये मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है कि करेक्ट है, ठीक है, कि तीन तरह के दर्शाता है। ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। इन आउट तो आप आराम से बता दीजिएगा कि क्या इन है क्या आउट है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि किरचॉप्स के नियम को डैश का उपयोग करके, ठीक है, डैश का उपयोग करके भी दर्शाया जा सकता है किरचॉप्स के नियम को, और किस तरीका से हम यह उपयोग करके दर्शा सकते हैं ये देना है। तो पहला दे दिया है, देख लीजिएगा ऑप्शन, कि मैक्सवेल समीकरण करके दर्शा सकते हैं, या दूसरा दे दिया है क्वांटम समीकरण करके दर्शा सकते हैं, या तीसरा हॉल प्रभाव करके, या चौथा दे दिया है आपको कि उपयुक्त में सभी। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, किरचॉप्स लॉ को जो है हम लोग मैक्सवेल समीकरण से भी दर्शा सकते हैं, जी मैक्सवेल समीकरण से भी हम उसको दर्शा सकते हैं। तो ये मेरा क्या होगा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। अब समझिए कि क्या है कि किरचॉप्स लॉ, जो करेंट लॉ होता है वो वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ को जो है मैक्सवेल, ये दोनों को क्या करते हैं कि मैक्सवेल समीकरण करके उपयोग करके हम दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शा भी सकते हैं। तो मैक्सवेल इससे बहुत रिलेट करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट मेरा सही है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम किरचॉप्स लॉ का वर्तमान नियम के साथ जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो किरचॉप्स ने अपना नियम दिया था वो अभी वर्तमान में किस नियम के साथ जो है उसको उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो पहला नंबर दे दिया है ओम का नियम, दूसरा दे दिया फैराडे का नियम, तीसरा दे दिया है आपको कूलम्स नियम, और चौथा दे दिया बी और सी, दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो किरचॉप्स लॉ वोल्टेज या करेंट का जो नियम दिया है दोस्त वो जो है ओम्स लॉ के मतलब वर्तमान में उपयोग कर सकते हैं। अब इसलिए कर सकते हैं कि ओम्स का लॉ तो आपको पता ही है कि भी बराबर जो है आई आर होता है, ओम्स लॉ में पढ़े हैं, उसमें वोल्टेज और करंट दोनों होता है, रेजिस्टेंस तो उसके समानुपाती होता है, कि समानुपाती का साइन हटाते हैं तो आर का देते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन वोल्टेज और करंट दोनों का नियम जो है किरचॉप्स लॉ से भी पता चलता है, क्योंकि किरचॉप्स ने वोल्टेज का भी नियम दिया था और जो है करंट का भी नियम दिया था। तो ओम्स लॉ के एक
जो है अभी वर्तमान में उसके कहा जा रहा है तो उसका उपयोग किया जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, आपको अगर 40 में 40 मार्क्स चाहिए दोस्त तो साइंस स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि साइंस अगर स्ट्रांग रहेगा तो आप तो निकाल दीजिएगा। चलिए वैसे ही सब सारे क्वेश्चन को देखते रहिएगा, पिछला वीडियो भी अगर नहीं देखे तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है किरचॉफ्स लूप नियम, ठीक है, या वोल्टेज नियम प्राप्त होता है, कौन सा नियम? तो पहला दे दिया है, देखिएगा ऑप्शन, पहला दे दिया है कि विद्युतीय नियम, दूसरा चुंबकीय, तीसरा दे दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चौथा विद्युत चुंबकीय, कौन सा होगा? तो दोस्त ये जो है किरचॉफ्स लॉ का जो है नियम किससे प्राप्त होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से होता है। ये मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो एरिया होता है वो किरचॉफ्स लॉ के नियम का नियम से प्राप्त होता है, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ के नियम से प्राप्त होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो ये मेरा ऑप्शन क्या है, थर्ड नंबर जो है ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन, इसी से आएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको बताइए, हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्लेषण क्रिया को निष्पादित करने के लिए, देखिएगा निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, विश्लेषण प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दे दिया है कि मौजूदा जो भी होता है उसका, या दूसरा दे दिया वोल्टेज, या तीसरा दे दिया है आपको प्रतिरोध, और चौथा दे दिया ए और बी दोनों। तो ध्यान दे दीजिएगा कि जो मौजूद है, मौजूदा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो अभी करेंट, ठीक है, क्या कर रहे हैं, करेंट और वोल्टेज जो कर रहे हैं, ठीक है, जो किरचॉफ्स लॉ ने दिया है कि करंट का नियम और वोल्टेज का नियम, वो मौजूदा है, वोल्टेज का दूसरा है, तो इसमें क्या है कि पहला और समझा दूसरा ऑप्शन दोनों करेक्ट होगा, कि करंट और वोल्टेज दोनों पैरामीटर का उपयोग जो है इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा डी नंबर जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चरणों में, हाँ निम्नलिखित चरणों को दे दिया है कि नोडल विश्लेषण में अपनाए गए क्रम व्यवस्थित करें, क्रम में व्यवस्थित करना है कि जो दिया गया है उसको, कि कौन सा सेलेक्ट होगा। देखिएगा इसमें पहला दे दिया है कि प्रत्येक नोड पर केसीएल लागू करते हैं, ठीक है, दूसरा दे दिया है कि शाखा धारा की गणना करते हैं, तीसरा दे दिया है कि बीजीय गणित करते हैं और नोड पर जो वोल्टेज प्राप्त करते हैं ये, या चौथा दे दिया है इसमें कि सर्किट में प्रत्येक नोड पर वोल्टेज का मान की गणना करते हैं, ये दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा। तो दोस्त इसमें पहले तो जान लीजिए कि नोड पे तो धारा प्राप्त होता नहीं है, इसमें हमको अरेंज करना है, ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले उस धारा को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो सर्किट में प्रत्येक नोड पर जो है वोल्टेज की मान, जो मान होता है उसको निर्दिष्ट करेंगे कि कितना मान है ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मान पता हो जाएगा उस पर हम क्या करेंगे, केसीएल लागू करते हैं, किरचॉफ्स करंट लागू करते हैं, उसके बाद जो है धाराओं की गणना करते हैं कि कितना धारा है, उसके बाद गणितीय गणना करते हैं कि बीज योग जो होगा कि कितना करंट आ रहा है कितना करंट जा रहा है उसका योग करते हैं। तो ऑप्शन मेरा जो है वो होगा वो सेकेंड नंबर होगा, ठीक है, कि पहला फोर्थ ऑप्शन से अरेंज करेंगे हम, फोर्थ से थ्री, वन टू थ्री, ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो समझ गए इस चीज को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, हाँ निम्नलिखित चरणों को मेष विश्लेषण में अपनाए गए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, इसको भी अरेंज करना है, क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए कि क्या दे दिया है कि प्रत्येक लूप को जो है लूप वर्तमान मान निर्दिष्ट किया गया है, यह दे दिया है, या दूसरा दे दिया है कि लूप धारा मान प्राप्त करने के लिए बीजीय गणित जो हम लोग यूज करते हैं उसका जो है क्या करते हैं कि सॉल्वेशन करते हैं, या तीसरा दे दिया है इसमें किरचॉफ्स लॉ कि किरचॉफ्स लॉ के दे दिया है केवीएल जो करेंट वोल्ट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है वो प्रत्येक लूप के लिए लागू करते हैं। तो इसमें ऑप्शन मेरा कौन सा होगा सही, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर देते हैं कि पहले हम क्या करते हैं। तो दोस्त पहले इसमें जो दिया गया अरेंज है, तो पहला नंबर जो दिया गया है ऊपर देख लीजिए कि प्रत्येक लूप को जो है क्या करते हैं कि लूप
आधारित वर्तमान मान को निर्दिष्ट करते हैं कि क्या मान दिया है उसको हम पहले रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्त, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ जो केवीएल लॉ होता है उस पर लागू करते हैं कि कितने धारा जा रहा है आ रहा है, उसका बीजीय योग जो है जीरो होता है वो लागू करते हैं। उसके बाद लूप धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम गणित का जो है अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये होगा मतलब कि पहला, अब पहले जो है वो ऑप्शन रखेंगे वो, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, ये सही अरेंजमेंट मेरा होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा मेरा, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, देखते रहिए। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि केवीएल दे दिया है, केवीएल डैश का उपयोग करके किया जाता है। तो केवीएल मतलब किसका उपयोग करके किया जाता है ये समझना है, यानी केवीएल मतलब क्या, आप तो समझ ही रहे हैं, बता ही दिए हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। पहला देखिएगा, इसमें ऑप्शन दे दिया पहला में कि नोडल विश्लेषण करते हैं, या दूसरा दिया जाल विश्लेषण करते हैं, या ए और बी दोनों करते हैं, या वोल्टेज विश्लेषण करते हैं। तो केवीएल में हम लोग क्या करते हैं दोस्त, केवीएल में क्या करते हैं कि वोल्टेज का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज का विश्लेषण तब होता है जब उस पे जाल होता है, जाल से कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना निकल रहा है जाल से, उसका करते हैं। तो ये बी नंबर सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, जाल का विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज का नहीं, जाल कर रहे हैं, वोल्टेज करेंगे लेकिन वोल्टेज कितना जा रहा है आ रहा है, करंट आ रहा है जा रहा है, वोल्टेज का नहीं करंट का। तो ये केवीएल वोल्टेज नियम होता है इसमें। तो ये थर्ड नंबर मेरा क्या है कि ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है केसीएल डैश का उपयोग करके किया जाता है। तो केसीएल किसका उपयोग करके किया जाता है ये जानना है। तो केसीएल जो होता है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है कि नोड का विश्लेषण, दूसरा जाल का विश्लेषण, तीसरा ए और बी, और चौथा दे दिया है कि वोल्टेज विश्लेषण। तो दोस्त इसमें जो है हम केसीएल का जो उपयोग करते हैं, तो केसीएल में क्या करते हैं कि नोड की ओर जो है कितना वोल्टेज जा रहा है, नोड से कितना वोल्टेज आ रहा है, तो नोड की ओर नोड का विश्लेषण करते हैं कि नोड के पास कितना करंट आ रहा है, नोड से कितना करंट बाहर जा रहा है, उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये फर्स्ट मेरा ऑप्शन क्या होगा कि सही होगा कि नोडल का विश्लेषण हम इसमें करते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ का वर्तमान जो है लॉ जो आप जानते हैं कि विश्लेषण का उपयोग करके ही किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सर्किट को पे ही निकालते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है दोस्त। दे दिया है कि कौन सा सूत्र केसीएल को परिभाषित किया जाता है, किसके लिए, I1, I2, ठीक है, जो जाने वाली धारा है, और I3, I4 एक सर्किट से दे दिया है, एक सर्किट में नोडल से बाहर जाने वाली है, मतलब I1, I2 जो है अंदर जा रही है, I3, I4 बाहर जा रही है। तो आपको यहाँ KCL पे निकालना है। तो KCL पे तो आपको पता है कि KCL पे आपको बता दिए कि जितना करंट जाता है उसका योग, और जितना करंट बाहर जा रहा है उसका योग एक दूसरे के बराबर होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कि क्या ऑप्शन होगा, मार दीजिए उसको। तो ऑप्शन मेरा फर्स्ट सही होगा कि I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 प्लस I4 के। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला नंबर दे दिया है कि समीकरण सिग्मा E और बराबर जो है समीकरण सिग्मा IR किस नियम पर लागू होता है, जानिए ये किस नियम पे लागू होता है। तो ये जो है आपको मैंने बता दिया था कि किस नियम पे लागू होता है, तो ये जो है किरचॉफ्स के वोल्टेज नियम पे लागू होता है। ठीक है, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर जो है मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं। अब देखिए ये जो आपको बताया है वो तो ओम्स लॉ पे ही डिपेंड है, ई बराबर जो है आई आर दे दिया था। सिग्मा से सिग्मा अगर काट दीजिएगा तो क्या होगा कि ई बराबर आई आर, यानी ई मतलब बैटरी के लिए ही रखा जाता है ना, EMF जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये उसके लिए रखा जाता है। तो ये V बराबर IR जो होता है वो होता है जो ओम्स लॉ को पालन करता है, उसी पे ये दिया गया था समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है हाँ कि असत्य कथन ज्ञात करना है कि असत्य कौन सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला दे दिया है किसी भी बंद लूप पर वोल्टेज का योग जीरो होता है। ठीक है, बंद लूप में कह रहा है, क्या ये सही होगा। या दूसरा दे दिया है इसमें कि किरचॉफ्स का नियम जो है किसी भी सर्किट पर लागू किया जा सकता है, चाहे उसकी संरचना और मतलब कुछ भी हो उस पर लागू किया जा सकता है। तीसरा दे दिया है इसमें कि किरचॉफ्स का दूसरा नियम नोडल पर लागू होता है। किरचॉफ्स का दूसरा नियम क्या कहता है कि नोड्स पर लागू होता है। और चौथा दे दिया है कि किरचॉफ्स
का पहला नियम समतलीय और तलीय दोनों जो है क्या होता है कि सर्किट पर लागू किया जाता है, क्या किया जाता है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा इसमें असत्य चुनना है हमें। तो पहला जान लीजिए कि इसमें जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो मेरा क्या है कि करेक्ट है। थर्ड नंबर इसलिए करेक्ट है दोस्त कि किरचॉफ का दूसरा लॉ तो कहता है कि वोल्टेज का नियम उन्होंने दिया था। वोल्टेज का नियम यह दिया था कि किसी भी सर्किट में जितने भी धारा जा रही है उसे बाहर निकल रही है उस सभी का बीजीय योग जीरो होता है। नोडल की बात हुआ ही नहीं था, नोडल पे तो बिल्कुल लागू नहीं होता है। तो ये असत्य थर्ड नंबर मेरा सही होगा, ठीक है कि उन्होंने गलत किया ये कि उस पर नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं और इंपॉर्टेंट भी है दोस्त कि किरचॉफ्स के पहले नियम में जंक्शन सिग्मा आई बराबर जो है जीरो किसके संरक्षण पर आधारित है। जी हाँ, किसके संरक्षण पे आधारित है ये बताना है हमें। तो आप बता सकते हैं कि किसके संरक्षण पे आधारित है। जी बॉस, तो देखिए ये जो है सिग्मा आई जो है बराबर जीरो है मतलब बीजीय योग के बराबर कर रहा है। आई मतलब कि वो नंबर होता है 1 2 3, तो वो सभी का योग जो है क्या बता रहा है कि अल्जेब्रिक सम है ये। तो अल्जेब्रिक सम किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दे दिया है ऊर्जा, दूसरा दे दिया है शुल्क, तीसरा गति, चौथा रफ्तार। मारिए क्या होगा। तो दोस्त यहाँ क्या होगा, अब देखिए ऊर्जा तो समझ रहे हैं, शुल्क क्या पैसा नहीं चार्ज कहता है ना, चार्ज दो पैसा दो, वो शुल्क है तो वो चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, जितने भी चार्ज होते हैं जाने वाली आने वाली वो सभी का सिग्मा अल्जेब्रिक सम जीरो होता है, तो उसी के बारे में बता रहा है। तो ये चार्ज मेरा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्त ये रहा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किरचॉफ्स लॉ से था। अगर किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन आता है तो दोस्त इसी से पूछेगा, इसे बाहर नहीं पूछेगा। और इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लिया कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।